एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज 30 जून का दिन है और आप सभी को दर्शन कराने के लिए सुबह सुबह हर की पैड़ी पहुंच चुका हूं। आज गंगा जल का बहाव देखिए, कुछ इस तरह से गंगा जल का बहाव है। आपको पता होगा कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से गंगा जल में रेत की मात्रा बढ़ गई है और जल का बहाव बहुत ही तेज़ है। आज की वीडियो में मैं आपको हर की पैड़ी के समस्त घाटों पर ले चलूंगा और वहां से दर्शन कराऊंगा। आज शनिवार का दिन है, आज रविवार का दिन है और श्रद्धालुओं की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। एक बात और बताना चाहेंगे, कल के दिन शनिवार के दिन हरिद्वार में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत सारी कारें जो हैं बह गई थी, तो वो जगह हम दिखाएंगे कहाँ पर गाड़ियाँ जो कारें थी वो खड़ी थी और वो गलत जगह है, उस जगह के बारे में हम डिटेल में जानकारी देंगे और वहाँ पर हम आपको ले जाएंगे, ताकि कभी अगर आप हरिद्वार आते हैं तो वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी ना करें। अब मैं आपको लेकर हर की पैड़ी की ओर चलता हूँ। इससे पहले हम मुख्य घाट की ओर पहुँचे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सभी लोग कमेंट में लिखेंगे जय गंगे माता, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, सभी लोग करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हरिद्वार के दृश्य देख सकें, माँ गंगे के दर्शन कर सकें। लगभग समय की बात करें तो इस समय 8:20 हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या पे श्रद्धालु पहुँच चुके हैं और हो सकता है थोड़ी देर बाद ये संख्या जो है और भी ज़्यादा बढ़े। और जल में देखिए कितनी ज़्यादा रेत आज नज़र आ रही है। जब जब बारिश होगी, हरिद्वार में बारिश हो या पहाड़ों में बारिश हो, गंगा जल में आपको रेत की मात्रा बढ़ती हुई नज़र आएगी। और अब वो समय आ चुका है जब पहाड़ों में प्रतिदिन बारिश होगी और गंगा जल जो है इससे ज़्यादा रेत की मात्रा आपको नज़र आने लगेगी। बड़ी धारा की ओर देख सकते हैं, नाई घाट के दूसरी साइड जहां पर बड़ी धारा है, वहां के दृश्य आप लोग देख सकते हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, इतना सहयोग आपसे चाहिए। आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी दर्शन कर पाएंगे। अब मैं नाई घाट के सामने आ चुका हूँ। ये जो है नाई घाट है, गंगा जी की लहरों को आप देख सकते हैं। सामने मनसा देवी मंदिर भी नज़र आ रहा है, तो उस तरफ ले चलते हैं आपको। ये देखिए, ये है हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर, दर्शन कर लीजिए। जय गंगे माता, सभी लोग लिखेंगे जय गंगे माता। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, हम उस जगह पर आपको ले चलेंगे जहां पर कल बहुत सारी कारें बह गई थी। इतनी ज़्यादा कल बारिश नहीं हुई थी कि जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा कारें बह जाएं, लेकिन जब कारें ही गलत जगह पर खड़ी होंगी तो फिर ऐसे ही दृश्य देखने को मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप लोग ऐसी जगह अपनी गाड़ी ना खड़ी करें कि आपको मुसीबत का सामना करना पड़े। कल के दिन एक दर्जन से ज़्यादा कारें जो है जल के बहाव में आ गई और बहते बहते फिर गंगा जी की धारा में आ गई और हर की पैड़ी के पास से बह के गई आगे। ये है घंटाघर घाट। और सामने की ओर है ब्रह्मकुंड घाट। इस तरफ देखिए, ये है घंटाघर घाट और उस तरफ है ब्रह्मकुंड घाट। अब आने वाले दिनों में, यानी कल परसों से, मुझे उम्मीद है कि हरिद्वार पहुंच रहे श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि अब स्कूल मैक्सिमम खुल चुके हैं या 1 जुलाई से खुलने वाले हैं।
दोस्तों आज एक बार फिर से धूप निकल आई है और गर्मी जो है अभी से शुरू हो चुकी है। 8:30 बजे का समय है और अभी ये हाल है तो मुझे ऐसा लगता है 10 बजे के आसपास बहुत तेज़ गर्मी आज के दिन होगी। जो कल बारिश हुई थी उसकी वजह से आज उमस भी काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। अब हम मालवीय घाट और महिला घाट की ओर चल रहे हैं। ये है मालवीय घाट और हो सकता है आज के दिन हमें कुछ कांवड़िए फिर से देखने को मिले। अभी फिलहाल वही कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं जो कलश कांवड़ लेकर और काफ़ी ज़्यादा गंगा जल लेकर यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा गंगा जल होगा, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, उतना ही पहले उनको हरिद्वार आना होगा। ये है मालवीय घाट। उस तरफ है महिला घाट। ये महिला घाट है। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि महिला घाट में पुरुष क्या करते हैं, तो अब ये सिर्फ नाम का ही महिला घाट हो गया है, बाकी स्नान सभी लोग करते हैं। फैमिली का कोई भी मेंबर, फैमिली का पूरा ग्रुप आता है, वो जेंट्स हो लेडीज हो, सभी महिला घाट में स्नान करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक मेन पॉइंट है जहाँ पर जंजीरों पर पकड़कर लोग स्नान करते हैं, स्टंट करते हैं, वो जगह हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन मैसेज यही रहेगा कि वो काम आप लोग ना करें। मैं इन दृश्यों की बात कर रहा था। आप इस तरह जंजीर को पकड़कर बीच धारा में जाकर स्नान करने की कोशिश ना करें, चोट भी लग सकती है, आप जल के बहाव में आकर आगे बह भी सकते हैं। तो नॉर्मल जिस तरह स्नान होता है वैसे ही स्नान कर लें। लोग पुल के ऊपर से गंगा जल की धारा में कूदते हैं। ऐसा करने की भी कोशिश आप लोगों को नहीं करनी है। देखिए पुल के ऊपर खड़े हो जाते हैं और गंगा जल की धारा में कूदते हैं। आज श्रद्धालुओं की संख्या की बात की जाए तो ठीक ठाक श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। लास्ट जो वीकेंड निकला था, जो शनिवार और रविवार निकला था, उसमें ज़्यादा श्रद्धालु थे, लेकिन आज जो है श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। दोस्तों आपका कोई भी सवाल है हरिद्वार ऋषिकेश चार धाम यात्रा से संबंधित, आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। अगर आप चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई कोई खास जानकारी लेना चाहते हैं, कब हम चार धाम यात्रा प्लान करें, कैसे हम चार धाम यात्रा की बुकिंग करें, रजिस्ट्रेशन करें, कैसे हम चार धाम यात्रा का पैकेज लें, बहुत सारे लोग पैकेज लेकर यात्रा करना पसंद करते हैं, टेंशन फ्री होकर यात्रा करना चाहते हैं, तो मैं आपको ट्रैवल एजेंसी के बारे में भी जानकारी दे दूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा, तो आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं, उसके बाद चार धाम यात्रा कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लग रही है आपको? सुबह सुबह हरिद्वार के दर्शन आप लोग कर रहे हैं, सुबह लगभग 8:30 बजे की ये वीडियो है।
देखिए भोलेनाथ का जलाभिषेक हो रहा है इस समय। दोस्तों अब मैं आपको उस जगह पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर कल के दिन 29 जून के दिन बहुत सारी कारें जहाँ से बहना शुरू हुई थी। आमतौर पर वो जो जगह है वो एक नदी है, तो आइए आपको ले चलते हैं और वहाँ से जानकारी देते हैं और वो दृश्य दिखाते हैं। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलेंगे जल्दी एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।